बहना, कितने आत्मविश्वास के साथ तुमने कहा था कि यतिया बुझेगा, किंतु यतिया तो बुझा ही नहीं। जब मेरा कृष्ण तुम्हारे प्राण हर लेगा ना, तब बुझेगा यतिया। तुम इस दिए को बुझते हुए नहीं देख पाओगे कंस, क्योंकि इस दिए की ज्योत और तुम्हारे प्राण एक साथ लुप्त होंगे। बहना, मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में हूं कि जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे उस मायावी पुत्र का अंत करूंगा। कितने भोले हो मामा श्री, ये नहीं जानते कि आप अपने ही चक्रव्यूह को तोड़ने पर विवश होने वाले हो। महाराज की जय हो। महाराज, कृष्ण तो चक्रव्यूह में घुस गया है। हाँ महाराज, एक नहीं बल्कि मथुरा के अनेक नगरवासियों ने अपनी आंखों से उस कृष्ण को चक्रव्यूह में जाते हुए देखा। अब देख लो कंस, तुम्हारे अभेद्य चक्रव्यूह में घुस गया वो। अब पहले मेरा कृष्ण उस चक्रव्यूह को तोड़ेगा, तत्पश्चात तुम्हें तोड़ेगा। जानते हो बहना, उस चक्रव्यूह के घर में क्या है? भगवान परशुराम का दिया हुआ देव धनुष, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा वो पुत्र उस चक्र के गर्भ में जाकर तो फंस गया। वहां मैं महाबली कंस स्वयं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे उस पुत्र को अंत कर दूंगा। तुम्हारे पुत्र का नेग्रोत, तोड़ दो इस दीवार को। राता, ये अस्त्र चक्र का अवैध शक्ति द्वार है, इसे हम स्वयं कैसे तोड़ दे? और एक बार इसको तोड़ दिया तो पुनः इसे बंद नहीं कर पाएंगे। क्या अंतर पड़ता है? वो कृष्ण इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है। यह असंभव है, हम सब तब से यहीं खड़े हैं। मैंने उस कृष्ण को समस्त मथुरा में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। यहां तक कि सभी मथुरा वासियों ने उस कृष्ण को इस चक्रव्यूह में प्रवेश करते हुए देखा है। अवश्य इसके भीतर ही होगा, और जो अगर वो भीतर चला ही गया तो किसी भी मूल्य पर वो बाहर जीवित नहीं आना चाहिए। तोड़ो इसे! एक बात याद रहे मेरे भाइयों, वो मायावी कृष्ण किसी भी रूप में यहाँ आ सकता है। परंतु भ्राता, आप ही ने तो कहा था ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है, तो वो आपके रूप में भी तो आ सकता है। तुम्हारी सुध-बुध खो गई है, अपने बड़े भाई को नहीं पहचानो तो? माया है ये, आप कृष्ण हैं, भ्राता कंस नहीं। यदि आपको ये द्वार तोड़ना है तो हमसे लड़ना होगा, फिर ये द्वार तोड़ सकते हैं। सैनिकों, आक्रमण! यही सही। हार तो कंस ने मूर्खता की सारी सीमाएं ही लांघ दी। इस प्रकार वो
अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह को स्वयं ही तोड़ रहा है। अपनी सेना अपने ही भाई को स्वयं ही हरा रहा है। मूर्खता नहीं था ये, तो बस कंस का भय है। कंस भय की सीमा पार कर चुका है, अपनी मृत्यु से इतना भयभीत हो चुका है कि उसे अपना हित अहित समझ ही नहीं आ रहा। अब भय ने उसके समक्ष अंधकार फैला दिया है। कृष्ण, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकल ग्वारे! आप तो सच में भ्राता कंस है, परंतु कृष्ण तो यहां है ही नहीं। और हमने तो अपना अवैध चक्रव्यूह स्वयं ही तोड़ दिया, अपनी सेना को स्वयं ही धराशायी कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं उस कृष्ण ने आपके भय का अनुचित लाभ उठाकर आपके साथ छल खेला हो? उसने हमसे हमारा ही व्यू तोड़वा दिया। मैं भी भयभीत नहीं हूं, भले ही मैंने इस अष्ट चक्रव्यूह को तोड़ दिया हो, किंतु वो मायावी कृष्ण इस धनुष को कदापि नहीं तोड़ पाएगा, कदापि नहीं। मैं महाबली कंस अब भी अमर हूं। समस्त मथुरा वासियों मेरा कथन सुनो, मेरे पास आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अष्ट चक्रव्यूह अब टूट चुका है और ये दिव्य धनुष भी आज रात्रि टूटेगा, और ये धनुष तोड़ेगा हमारा ये नन्हा बच्चा। और ये मेरा सभी मथुरा वासियों को वचन है, वाह। अंततः तूने राधा का मौन व्रत रखवाकर उसके कृष्ण कृष्ण का जाप बंद करवा ही दिया। कृष्ण, मैं कैसे तुम्हारा नाम ले पाऊंगी?
मन की वाणी से भी मुझे दिखने लगे तुम। मैं समझ गई कृष्ण, बात यदि प्रेम की हो तो मन की वाणी भी अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है, है ना? हाँ राधे। अब बोलो कृष्ण। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी।